हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू चैनल व्लॉग्स बाय गीता शर्मा, जहां आप जानते हैं सिलाई से जुड़ी जानकारियां, देखते हैं अच्छे अच्छे व्लॉग्स। जो भी मैं व्लॉग बनाती हूं वो मैं इस चैनल पर दिखाती हूं, और जो भी आपके क्वेश्चंस होते हैं या आपकी प्रॉब्लम होती है उसके ऊपर मैं एक वीडियो क्रिएट करती हूँ। तो ये वीडियो भी एक प्रॉब्लम के ऊपर ही मैंने क्रिएट की है। देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जब हम अम्ब्रेला कुर्ती बनाते हैं, तो इसके लिए मुझे काफ़ी सारे कमेंट आए हुए थे। मेरे जो फर्स्ट चैनल है फैशन बाय गीता शर्मा, जिस पर मैं कटिंग, स्टिचिंग और डिज़ाइनिंग सिखाती हूँ, और मैं वहाँ पर कपड़े भी सेल करती हूँ। जो भी मैं साड़ी बनाती हूँ या मैं लहंगा बनाती हूँ, कुछ भी मैं बनाती हूँ ड्रेस, वो भी मैं सेल करती हूँ, तो आप मुझसे खरीद भी सकते हैं। तो आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा मेरे दूसरे चैनल को, जिसका नाम है फैशन बाय गीता शर्मा। तो मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहती हूँ दो टिप्स कि आप अम्ब्रेला कुर्ती या अम्ब्रेला स्कर्ट या लहंगा, तीनों सेम ही तरीके से करते हैं। अम्ब्रेला जो होता है तीनों एक ही तरीके से, नाम अलग अलग है। कुर्ती आपने ऊपर बॉडी लगा दी तो वो कुर्ती हो जाती है, अगर आपने बेल्ट लगा दी तो वो स्कर्ट हो जाती है, लहंगा हो जाता है। तो उसकी कटिंग करने में लोगों को बहुत प्रॉब्लम आती है। ऐसा नहीं है कि हम लोग जो एक ही बार कट करते हैं तो बिल्कुल ही सही कट जाता है, पर मैं आपको दो टिप्स ऐसी देने वाली हूँ जिससे कि आप उसको बिल्कुल सही कर पाएंगे, काफी हद तक आप उसको सही कर पाएंगे। क्योंकि देखिए, कपड़े कपड़े के ऊपर बात होती है। अगर आप कॉटन के कपड़े की स्कर्ट बना रहे हैं तो वो एक बारी में ही सही कट जाती है, थोड़ी बहुत ही फर्क आता है, ज्यादा नहीं आता। पर अगर आप किसी साड़ी में से स्कर्ट बना रहे हैं, साड़ी में से लहंगा बना रहे हैं, तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। मैं तो सेट कर लेती हूँ, क्योंकि देखिए इतना टाइम हो गया है मुझे सिलाई करते हुए, तो मैं तो सेट कर लेती हूँ। पर मैं भी कैसे सेट करती हूँ या बड़े बड़े फैशन डिजाइनर भी कैसे सेट करते हैं, तो मैं वो दो टिप्स आपको बताने वाली हूँ। देखिए, जैसे कि ये स्कर्ट मैं आपको दिखाऊंगी, इसको मैंने लहंगे की तरीके से भी पहना है और स्कर्ट के रूप में भी मेरी बेटी ने इसको पहना है। आप इसका कपड़ा देखिए, कितना ज्यादा सॉफ्ट है इसका कपड़ा। इस स्कर्ट को मैंने तीन बार कटिंग की है, स्कर्ट की मतलब नीचे से तीन बार कटिंग की है, उसके बाद जाकर ये सेट हुई थी। और मैंने कैसे की थी वो मैं आपको बता देती हूँ। साइड में आप इसकी पिक देख सकते हैं कि मैं इसको किस तरीके से पहनती हूँ, कितना ज़्यादा ये सुंदर लग रहा है। अगर आप इसकी पूरी वीडियो देखना चाहते हैं कि किस कैसे कैसे मैंने इसको पहना है, तो उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप देख लेना। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मान लीजिए हम स्कर्ट बना रहे हैं तो हमने नीचे का घेरा कट कर लिया। ये देखिए काफी घेरा है, पूरी साड़ी में से बनाया है मैंने ये। इसमें मैंने लाइनिंग नहीं लगाई है, क्योंकि इसके नीचे एक स्कर्ट बना रखी है मैंने घेर वाली, वो मैं इसके नीचे डालती हूँ। जो मेरा मतलब मेरा जो इनर है, पेटीकोट है, वो काफी खुला है, तो मैंने वो इसके नीचे डालती हूँ। मेरी बेटी इसके नीचे लैगी वगैरह डालती है, क्योंकि उसको ज्यादा खुला खुला नहीं चाहिए था, ऐसे ही चाहिए थी स्कर्ट की तरह, तो मैंने इसमें लाइनिंग नहीं लगाई है। आप लाइनिंग लगाइए, साड़ी वाले में जरूर ही लगानी चाहिए लाइनिंग। सबसे पहले हमें कटिंग करनी है घेरे की। घेरे की कटिंग करने के बाद हमें लगानी है बेल्ट, हमें नीचे से भी कुछ नहीं करना है, फिर हमें लगानी है बेल्ट। अब इसे जिसके नाप का आप बना रहे हैं उतना ही आप उसको मतलब वहीं कमर पर बांधिए, पहनाइए, और फिर नीचे से मार्जिन रखते हुए, मान लीजिए आपको बॉर्डर लगाना है तो आधे इंच का मार्जिन रखिए आप। अगर आपको बॉर्डर नहीं लगाना है तो आपको 1 से 1.5 इंच का रखते हुए नीचे की तरफ बिल्कुल बिछ जाए ऐसे कटिंग करना है। क्योंकि जब हम इसको फैलाते हैं, फैलाकर कटिंग करते हैं इसको, तो अलग बात होती है। जब हम इसको उठाते हैं तो ये बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। मुझे ये बताना किसका ये इस तरीके से होता है, और कौन कौन लोग परेशान होते हैं जब स्कर्ट बनाते हैं, खासकर अम्ब्रेला स्कर्ट। तो बेल्ट लगाने के बाद मान लीजिए आपके पास जिनके लिए आप बना रहे हैं वो नहीं है, किसी कस्टमर का बना रहे हैं आप, तो आपको क्या करना है, हैंगर के ऊपर इसको लगाना है। जैसे मैं इसको इस हैंगर में लगा देती हूँ, ये दोनों टिप्स से जो है बहुत ही इजी हो जाता है। फर्क आता है, ऐसा नहीं है तब भी, पर लेकिन बहुत ही कम, इतना फर्क नहीं। आप देखते हैं कई बार मार्केट के तो इतने ऊंचे नीचे होते हैं, इतने बेकार होते हैं कि मैं क्या ही आपको बताऊं। तो
तो इसको भी जो ऊपर की बेल्ट है इसको भी ऐसे रखना है हमें, क्योंकि पहनने के बाद ऐसे आएगा। फिर नीचे से हमें लगाना है निशान। नीचे से निशान लगाते हुए हमें पूरा इसे सेट करना है। हैंगर में लटकाकर इसकी अगर हम कटिंग करेंगे तो ये काफी हद तक बिल्कुल सही हो जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर आप इसमें कैन कैन लगाना चाहते हैं तो कैन कैन भी लगा सकते हैं। मैं ज्यादातर कैन कैन पट्टी, प्लास्टिक वाली कैन कैन पट्टी लगाती हूँ। मैं वो नहीं लगाती हूँ जो जाली वाली कैन कैन आती है, वो मैं नहीं लगाती हूँ। मैं प्लास्टिक वाली कैन कैन पट्टी आती है, 1 इंच 1.5 इंच की आती है, वो मैं लगाती हूँ। और वो आपको गड्ढा मिल जाएगा पूरा, 100-150 रुपए का पूरा गड्ढा भी मिल जाएगा। मीटर के हिसाब से लेंगे तो थोड़ा आपको महंगा पड़ेगा, आप ऐसे नहीं कीजिए। ठीक है, ये तो हो गई स्कर्ट और लहंगे की बात की। आपको इसका घेरा ऐसे ही सेट करना है, चाहे मैनीक्यून को पहनाइए चाहे आप किसी को भी पहनाइए, जितनी आपको लेंथ चाहिए। फिर नीचे से कट कीजिए और वो सही हो जाएगा। अगर आप बना रहे हैं कुर्ती, तो जैसे आपने अम्ब्रेला काट लिया है नीचे का घेरा, ऊपर जो उसकी बॉडी है, ऊपर कोटी जो है उसकी, उस पर लगा दीजिए, बिल्कुल उसे ऊपर से रेडी कर लीजिए। तब नीचे से काटिए, हैंगर में लटकाकर या मैनीक्यून को पहनाकर या जिसके लिए आप बना रहे हैं उनको पहनाइए। फिर कैंची से नीचे से कट कीजिए। ऐसे ही सब लोग कट करते हैं, जो बड़े बड़े जो फैशन डिजाइनर होते हैं वो भी ऐसे ही कट करते हैं, क्योंकि मैंने देखा है उनको भी। और मैं भी ज्यादातर मतलब किसी चीज को, मतलब मेरी बेटी की थी ये, तो मैंने उसको पहनाया, पहनाकर कटिंग की, क्योंकि बार 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 टेढ़ा मेढ़ा हो रहा था और मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हो रही थी इसमें, तो मैंने इसको ऐसे कट किया है। और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल इसकी जो लंबाई है बराबर है, टेढ़ी मेढ़ी नहीं है इसकी लंबाई। तो ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी नहीं है, नहीं तो ऊंची नीची काफी होती है, पर नहीं है, ये देखिए सब बराबर है। तो आप इस तरीके से जो है कट कीजिए, तो आपका जो लहंगा है, स्कर्ट है, कुर्ती है, वो बिल्कुल सही बैठेगी। इन्हीं दो तरीकों से मैं कटिंग करती हूँ। मैंने इसमें टसल्स भी लगा लिए हैं, ये वाले मतलब मैंने नेट की कटिंग करें, और जैसे हम फुंदने बनाते हैं ना, वैसे ही मैंने ये बनाया है। और भी अच्छे अच्छे डिजाइन अगर आपको देखने हैं तो आप मेरे दूसरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, जिसका नाम है फैशन बाय गीता शर्मा। और भी आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं, आपको अच्छे से समझाऊं, जैसे कि आप मुझे हमेशा ही करते हैं, कमेंट करते हैं और मैं वीडियो बनाती हूँ और अच्छे से समझाती हूँ। इस वीडियो में भी आपको अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताना, और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, सब्सक्राइब करके जो बेल आएगी उसे क्लिक कर ऑल पर सेट कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नया लेकर। बाय फ्रेंड्स, बाय।